हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मनीष सक्सेना और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैक्रो फोटोग्राफी आइडियाज एंड टिप्स के बारे में। इस हिंदी ट्यूटोरियल के अंदर आज हम बात करेंगे मैक्रो फोटोग्राफी। अब जब बात आती है मैक्रो फोटोग्राफी की तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसमें, वो होता है लेंस। तो आज फ्रेंड्स मैं शूट करने वाला हूं अपने 105mm मैक्रो लेंस पे। तो मुझे ये लेंस क्यों मैंने परचेज किया ये मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहूँगा। फ्रेंड्स, बहुत सारे जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उन्होंने काफ़ी बार पूछा है कि सर ई कॉमर्स फोटोग्राफी के लिए या स्मॉल प्रोडक्ट फोटोग्राफी के लिए कौन सा लेंस बेटर रहेगा। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये लेंस का कोई जवाब नहीं है, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है इस लेंस का। और आज इस वीडियो के अंदर हम कुछ पिक्चर शूट करेंगे इस लेंस से और मैं फिर शेयर करूंगा कि ये लेंस मुझे क्यों इतना अच्छा लगता है। दोस्तों, सबसे अच्छी बात मुझे इसमें ये लगी कि एक तो ये 105mm का लेंस है, सो मेरी FX बॉडी पर यानी कि फुल फ्रेम बॉडी पे ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है। दूसरी चीज़ मुझे इसकी अच्छी ये लगी दोस्तों कि ये जो लेंस है फ्रेंड्स, ये लेंस के अंदर इमेजेस जो हैं मुझे मिलती हैं बहुत ही टैक शार्प और इसकी जो प्राइस है वो है काफ़ी कम। यानी कि ये लेंस जब मैंने लिया था तो आई थिंक कुछ 60,000 के आसपास मैंने ये लेंस खरीदा था आज के 3-4 साल पहले, और आज तक ये लेंस जो है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। उसके अलावा फ्रेंड्स, मैंने इस पे नॉट ओनली स्मॉल प्रोडक्ट्स यानी कि मैंने शूट किए इस पे कई अपने हेडशॉट फोटोग्राफी यानी कि मॉडल्स की पिक्चर्स भी, और इस लेंस ने मुझे कभी भी निराश नहीं किया दोस्तों। तो मेरे हिसाब से मैक्रो फोटोग्राफी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपका सही लेंस का सिलेक्शन। अगर आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से यानी कि आप अपने प्रोजेक्ट्स के हिसाब से, शूट के हिसाब से सही लेंस चूज करेंगे तो डेफिनेटली आपको परफॉर्मेंस भी जो है वो निकलेगी बहुत ही अच्छी। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह से हमने अभी छोटे छोटे जो है स्मॉल प्रोडक्ट्स को शूट किया इस लाइट टेंट के अंदर और खूबसूरत इमेजेस मिली हैं क्योंकि हमने सही मैक्रो लेंस का चुनाव किया। अब ये जो लेंस है दोस्तों 105mm f2.8 लेंस, ये लेंस बेस्ट परफॉर्म करेगा अगर आपके पास फुल फ्रेम बॉडी है, और अगर आप कैनन यूजर हैं तो फिर कैनन के अंदर भी एक 100mm का लेंस आपको मिलता है सेम फीचर्स के साथ में, वो भी सेम आपको रिजल्ट देगा। और अगर आपके पास में नॉन फुल फ्रेम बॉडी है तो उसमें मेरे ख्याल से निकॉन के अंदर 85mm का एक लेंस मिलता है, वो आप लेंस ले सकते हैं, वो भी मैक्रो लेंस ही है, वो भी जो है DX बॉडी पे अच्छे से काम करता है। तो बस आपको ध्यान रखना है अगर आप ई कॉमर्स फोटोग्राफी कर रहे हैं और इस तरह के छोटे छोटे प्रोडक्ट्स को शूट करते हैं तो ये लेंस जो है बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। उसके अलावा फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, वहां पर भी मैंने इस लेंस को यूज़ किया था अपने फैशन फोटोग्राफी के अंदर, और वहां मैंने मॉडल के लिए थे कुछ एकदम क्लोजअप, एक्सट्रीमली क्लोजअप शॉट, वहां पे भी जो है ये लेंस ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया और आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे भी वो इमेज काफ़ी अच्छी हमें डिटेलिंग मिली थी क्लोजअप शॉट में। तो ये सिर्फ ना केवल प्रोडक्ट फोटोग्राफी में काम आता है बल्कि ये काम आता है आपके फैशन फोटोग्राफी वर्क में, स्पेशली जब आप ब्यूटी शॉट्स या एक्सट्रीमली हेड शॉट्स या एक्सट्रीमली क्लोजअप शॉट्स आप शूट करते हैं। तो बस आपको ध्यान ये रखना है प्रोडक्ट फोटोग्राफी करते वक्त आपका लेंस का चुनाव सही हो। और इसके अंदर मुझे अच्छी चीज़ लगी, इसमें VR फीचर है यानी कि वाइब्रेशन रिडक्शन का, और मैं काफ़ी पास जाके भी शूट कर सकता हूँ इसके साथ में, और मुझे जो है
फोकस काफ़ी अच्छे से टैक शार्प मुझे जो है इमेजेस मिलती हैं, फोकस अच्छे से लॉक होता है इसके अंदर, और अगर आप मैनुअल पे भी आप इसे मैनुअल फोकस भी कर रहे हैं तो भी जो है आपको इमेजेस मिलती हैं बहुत ही अच्छी। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि ये जो लेंस है इसका क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छी है और एक बहुत सही प्राइस के अंदर ये लेंस मार्केट में अवेलेबल है। तो अगर आप क्वालिटी इमेजेस में बिलीव करते हैं तो फिर आप मैक्रो फोटोग्राफी के लिए आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट लेंस फॉर यू फ्रेंड्स। ये छोटा सा वीडियो मैंने सिर्फ यही दिखाने के लिए बनाया था कि अगर आप इस तरह के ई कॉमर्स की फोटोग्राफी करते हैं तो बस आपको चाहिए एक लाइट टेंट, मैक्रो अच्छा लेंस और विंडो लाइटिंग, क्योंकि सारा शूट मैंने विंडो लाइटिंग पे ही किया है, कोई भी एक्सटर्नल लाइट यूज़ नहीं की। तो एक छोटा सा सेटअप आप अपने घर में या आप अपने अगर आपके पास स्टूडियो है तो इस तरह का आप कहीं भी सेटअप तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक करो दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह के फोटोग्राफी टिप्स एंड ट्रिक्स ट्यूटोरियल्स देखने के लिए। जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।